अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल टीवी के खास बुलेटिन दखनी खबरनामे में आपका खैर मकदम करता हूँ। खबरनामे के साथ मैं सैयद अहमद अली हाजिर खिदमत हूँ। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाला हवाई जहाज का हफ्ते के दिन सुबह में एक्सीडेंट हो गया। पहले के वजीर डॉक्टर गीता रेड्डी तेलंगाना रियासत को भी औरतें बनाएं और तेलंगाना में औरतें अच्छा काम करें बोल के बोले। तेलंगाना के लीडर तेलंगाना रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनाने के वास्ते दिन रात एक करते बोल के पहले के वजीर जाना रेड्डी बोले। गांधी भवन और सेक्रेटरियट में लीडर औरतों का दिन है बोल के मीटिंग करे। और कांग्रेस पार्टी वाले आते सो इलेक्शनों के वास्ते 90 उम्मीदवारों का नाम दे दिए। अब खबरें तफसील से देखेंगे। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाला हवाई जहाज हफ्ते की सुबह के वक्त हादसे का शिकार हो गया। ये जहाज जिसमें 227 मुसाफिर और 12 स्टाफ के लोग थे समंदर में गिर के डूब गया। उसको ढूंढने कितने की हेलीकॉप्टर लगे हुए हैं। ये जहाज उड़ने के 2 घंटे के बाद इससे कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। इसमें 13 मुल्कों के मुसाफिर थे जिनमें 5 हिंदुस्तानी भी थे। ज्यादा मुसाफिर चीन के थे। मलेशिया एयरलाइन एशिया का बड़े हवाई कंपनियों में से एक है। इसके तरफ से रोजाना 37,000 लोग दुनिया भर में 80 जगहों का सफर करते। TNGOs के ऑफिस नामपली में 8 मार्च को औरतों का दिन मनाए। ऐसे वक्त वहां पे TNGOs के प्रेसिडेंट देवी प्रसाद भी थे। ప్రస్తుతం లాటిన్ అమెరికా దేశాలు అన్నీ కూడా నియోలిబరలిజం నాకు బహుశా దీన్ని ఎట్లా ట్రాన్స్లేట్ చేయాలో మనం చెప్పలేము కానీ సింపుల్ గా చెప్పుకోవాలంటే బహుశా మార్కెట్ ఇక్కడ లాంటి వ్యవస్థ మనం దానికి వ్యతిరేకంగా ఒక పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేసి సోషలిస్ట్ వ్యవస్థల్ని ఏర్పరచుకునేటువంటి దశలో లాటిన్ అమెరికా దేశాలు చాలా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఆమె హ్యూగో చావెజ్ గురించి स्पेशल सेक्रेटरी हज कमेटी वो डायरेक्टर उर्दू एकेडमी एम ए शकुर बोले, हज को जाने वालों को हज फार्मा लेने और दाखिल करने की आसानी के लिए इतवार के दिन भी फार्मा दे रहे गए। आंध्र प्रदेश सेक्रेटरियट वुमेन वेलफेयर एसोसिएशन के औरतें सेक्रेटरियट के डी ब्लॉक कॉन्फ्रेंस हॉल में एक मीटिंग रखे जिसमें औरतों के प्रॉब्लम और इनकी तरक्की पे बात करे गए। आम आदमी पार्टी लीडर इंदिरा पार के पास वुमेन्स डे मना के बोले, गए सो 18 सालों से 50% रिजर्वेशन वैसे पड़े वाह है गते। आम आदमी पार्टी कुर्सी पे आते ही ये काम पूरे करती गते और झाड़ू से पूरा कचरा साफ कर देती बोल रही। एमआईएम के बड़े और एमपी असदुद्दीन अवैसी नलागुंटे में करेसो जलसे में बातें करते हुए बोले, हिंदुस्तान की तरक्की में फिरका परस्ती बहुत बड़ी रुकावट है। ये जलसे में अहमद पाशा खादरी, माजिद हुसैन और दूसरे मजलिस के लीडर भी तकरीर करे। और ये जलसे आवाम में इसलिए मुनासिब किए जा रहे हैं कि हम आवाम के दरमियान में जाकर आने वाले आइंदा महीने में जो असेंबली और पार्लियामेंट के इंतखाबात हो रहे हैं उसमें हम आवाम के दरमियान में जाकर हमारी पार्टी की पॉलिसी, हमारी पार्टी का पैगाम वो आवाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो मजलिस की बात आपसे कहती है
मुस्लिम अकलियत की आबादी के लिहाज से कम 60 अराकी लोकसभा मुंतखब होने चाहिए। मैं कोई फिरका परस्ती की बात हरगिज नहीं कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है जस्टिस जेएस वर्मा का, 18 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेएस वर्मा ने हिंदुत्व का जो जजमेंट दिया उसमें ये बात कही कि अगर कोई ये कहता है कि आप इस कम्युनिटी को मुंतखब करिए इसलिए कि पसमानदा इनसे इंसाफ नहीं किया गया, तो जस्टिस जेएस वर्मा का जजमेंट साफ और वाज़े है कि ये फिरका परस्ती नहीं है। ये पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट का सेक्शन 123 सबसेक्शन 3 इसको अट्रैक्ट नहीं होता। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक दस्तूरी बेंच का फैसला में लाया, ता वक्त ये दस्तूरी बेंच अपना फैसला नहीं सुनाए जस्टिस जेएस वर्मा का जजमेंट हमको इस बात की इजाजत देता है कि मैं अपनी पसमानदगी की बुनियाद पर, मुझसे जो नाइंसाफी हुई उसकी बुनियाद पर मैं आवाम के दरमियान में जाकर ये कह सकता हूं कि आप अपने नुमाइंदों को वोट दीजिए। हमारे शहर में दहशतगर्दों ने कांग्रेस एमपी बलराम नायक, एमएलसी सुधाकर रेड्डी और दूसरे लीडर गवर्नर से मिलके इनको बोले खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में नक्को मिलाओ। सेंटर के वजीर बलराम नायक और एमएलसी सुधाकर रेड्डी गवर्नर ईएसएल नरसिम्हन से मिलने के बाद मीडिया वालों से बात करते हुए बोले तेलंगाना बिल को सेंटर काबीना फिर लोकसभा राज्यसभा और इसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो पास करे इसमें कहीं भी खम्मम के 7 मंडलों को आंध्र में मिलाने का जिक्र नहीं था। फिर बाद में कैसा सेंटर के काबीना वाले ये मंडलों को मिलाओ बोल के बोल सकते। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती 8 मार्च को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले मैं नौटंकी नहीं कर रही हूँ, नौटंकी राम कृपाल यादव कर रहे हैं। मीसा भारती को पाटलिपुत्र से ठहरा रहे बोल के आरजेडी के पुराने लीडर राम कृपाल यादव जो पाटलिपुत्र से ठहर के जीते थे औंट गए थे उनको मनाने 7 मार्च को मीसा भारती उनके घर को भी गए थे मगर उन्हें नहीं मिले। उस पर मीसा भारती आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोले मैं राम कृपाल यादव चाचा को अपने पिता के जैसा मानती हूँ, इनसे मिलने इनके घर को भी गई थी मगर इन्हों मेरे से नहीं मिले, अपने दोनों फोन स्विच ऑफ कर दिए। बाद में प्रेस वालों के सामने बोले मैं नाटकबाजी कर रही हूँ, कहते उनको जो बोलना था मेरे पिताजी से बात करके बोलना था, मीडिया वालों के सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी। राम कृपाल चाचा मेरे को बेटी बोलते थे, इन्हों अपनी बेटी की लाज न रखे, इस वास्ते पार्टी जो भी फैसला करेंगी मैं उस पर चलूँगी। आम आदमी पार्टी के लीडर है सो योगेंद्र यादव के मुंह पे हफ्ते के दिन कौन की एक आदमी पेन की इंक फेंक दिया। योगेंद्र यादव दिल्ली में औरतों का दिन है बोल के जंतर मंतर के एरिया में कर रहे सो एक प्रोग्राम में बात कर रहे थे, एक नए मालूम सो आदमी योगेंद्र यादव के मुंह पे पेन में की इंक फेंक दिया। उन्हें इंक फेंकते पूरे लोग बौरान हो गए और थोड़े लोग इंक फेंके सो वाले को पकड़ के मारम पीटी शुरू कर दिए, उसके बाद पुलिस वाले वो आदमी को पकड़ के लेके चले गए। मीडिया वालों से बात करते हुए योगेंद्र यादव बोले इंक फेंका सो आदमी कौन था और उन्हें कई को मेरे ऊपर इंक फेंका मेरे को तो नहीं मालूम। जब से आम आदमी पार्टी वाले आम आदमियों के वास्ते अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं इन लोगों को कुछ ना कुछ परेशानियां हो रही सो हो रही। ये हमला कौन कराए कई को कराए वो तो नहीं मालूम हुआ मगर ऐसा दिख रहा आम आदमी से खास आदमियाँ बौरान है। पहले के वजीर प्रसाद राव मीडिया वालों से बात करते हुए बोले आते सो इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट में बल्दिया असेंबली पार्लियामेंट इलेक्शन जीत जाती गते। पहले के वजीर प्रसाद राव मीडिया वालों से बात करते हुए बोले तेलंगाना स्टेट कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी राहुल गांधी तेलंगाना के लोगों को तरक्की देना बोल के बनाए, अब तेलंगाना के लोगों का काम है आते सो ZPTC बल्दिया असेंबली पार्लियामेंट में धोखाबाज पार्टियों से होशियार रहते हुए खाली कांग्रेस पार्टी कुछ वोट आप दे के सोनिया गांधी राहुल गांधी का शुक्रिया अदा करना। ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ मीरचौक पुलिस स्टेशन में एक जख्मी नौजवान शिकायत लिखाने 8 मार्च को आया। फरहान नाम का ये नौजवान जो अपने आप को कॉलेज का स्टूडेंट बोल रहा था मीडिया के पूछने पे बोला उन्हें दारू शिफा ग्राउंड के पास से जा रहा था, गते एक ट्रैफिक का जवान उसको हेलमेट फेंक के मारा जिसकी तरफ से उसका सर फूट गया। मालूम हुआ तो वहाँ के कारपोरेटर रियाजुल हसन आफंदी उसको दवाखाने को मरहम पट्टी के वास्ते भेजे,
उसके बाद फरहान दारूशेफा ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ शिकायत लिखाने मीरचौक पुलिस स्टेशन को आया। पूरा इधर का इधर मैनेज कर रहे, पूरी पब्लिक बहुत जमा हो गई थी। जब इस समय गोल्डी साहब मेरे को हॉस्पिटल ले हॉस्पिटल लेके गए। आप केस बुक कराए जी? केस बुक कराए कंप्लेंट करा मैं। बिहार में सीतामढ़ी जिले के डमरा थाने इलाके के हरी छपरा गांव में 7 मार्च की रात को 55 साल का सोगा रात भगत चिराग जला के अपनी झोपड़ी में सो रहा था। अचानक झोपड़ी को आंच लग गई, उन्हें जल के मर गया। शमशाबाद एयरपोर्ट की रोड पे एक कार उलट जाने से कार ड्राइवर वेंकटेश को बहुत ही मारा लग जाने से इनको अस्पताल में शरीक कर दिए। वेंकटेश एसएस कैब कार के ड्राइवर है। कांग्रेस पार्टी आते सो इलेक्शन के लिए पार्लियामेंट के वास्ते 90 उम्मीदवारों के नामों की लिस्ट तैयार कर लिए गए। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी की एक मीटिंग 7 मार्च को शाम में हुई, उसमें पार्टी के बड़े सोनिया गांधी, पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह, पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी और दूसरे लीडर शरीक हुए। ये मीटिंग में कांग्रेस लीडर बोल रहे, आते सो इलेक्शन के वास्ते 90 पार्टी उम्मीदवारों की एक लिस्ट तैयार कर लिए गए थे, जिसमें बिहार, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के कितने की उम्मीदवारों के नामा हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सी संपत तिरुपति में मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, 9 मार्च को पूरे मुल्क में वोटर लिस्ट में नामा नहीं है सो लोग नामा लिखा लेना कहते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बीसी संपत 7 मार्च की रात को हैदराबाद शमशाबाद एयरपोर्ट पे आए और इन्हों 8 मार्च को तिरुपति को गए। वहाँ पे इन्हों मंदिर का दर्शन करने के बाद मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, पूरे मुल्क में 9,30,000 पोलिंग स्टेशन पे ऐसे वोटर्स जिनकी उम्र 18 साल हो गई और उनके नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, वो अपने नाम लिखा के इलेक्शन आईडी कार्ड ले सकते, और जिनके आईडी कार्ड गुम गए वो लोग भी वोटर लिस्ट में नामा चेक करके फिर से मी सेवा के जरिए कार्ड बना सकते। इन्हों बोले, आते सो इलेक्शन में इलेक्शन कोड पे सख्ती के साथ अमल करेंगे और जो भी इसके खिलाफ काम करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करते, इलेक्शन अच्छे तरीके से कराने के पूरे इंतजाम पूरे हो गए कहते। 8 मार्च को पूरे वर्ल्ड में वुमेन्स डे मना के औरतें सबके बराबर है तो भूल गए। इन लोगों को औरतों के आए दिन आने वाले प्रॉब्लम पे और औरतों को होने वाले मुश्किलों पे कोई बात नहीं करे, इस पर रियल व रूबी चैनल रिपोर्टर अंजुम मोहम्मद खासमी की खुसूसी रिपोर्ट पेश खिदमत है। पूरी दुनिया में औरतों का खास दिन मना के खाली औरतें आदमियों के बराबर कंधे से कंधा मिला के चल रही, औरतों को हुकूमत बहुत से सहूलत दे के आदमियों के बराबर खड़ा कर रही, जैसे बातें कर देना बहुत ही आसान है। कई को बोले तो आज की औरत और लड़कियां तरक्की करके कॉल सेंटरों और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आदमियों के बराबर काम कर रही और पॉलिटिकल पार्टियों में बड़े बड़े पोस्टों पर बैठ के हुकूमत चलाने में भी काम कर रही। तो ऐसी औरत आदमियों के जुल्म का शिकार होकर मजबूरी की हालत में रोड पर झाड़ू भी दे रही, और औरत मजबूरी की हालत में जब घर से बाहर निकलती तो उसको हर तरफ से परेशानी का सामना करना पड़ता। ऐसी आए दिन हो रहे सो कितने की प्रॉब्लम से औरतें परेशान है, मगर इस पर कोई भी नज़र नहीं डालते। ये प्रॉब्लमों पर नज़र डालना ज़रूरी है। यकीनन औरतों को भी आदमियों के बराबर चलने, घूमने फिरने का और तरक्की करने का हक है, और ये तरक्की के वास्ते हर एक को मदद करने की और आगे आने की ज़रूरत है। सिटी कमिश्नर ऑफिस बशीरबाग में कमिश्नर अनुराग शर्मा मीडिया वालों से बात करते हुए बोले, 30 अप्रैल को जो पार्लियामेंट और असेंबली के इलेक्शन होने वाले हैं उसके बारे में कुछ ज़रूरी बात ऐलान करते करते। कमिश्नर अनुराग शर्मा बोले, ये ज़रूरी बात सियासी पार्टियों के वास्ते भी है और आम लोगों के वास्ते भी है। उन्होंने बोले, कोई भी आदमी अपनी तकरीर में ऐसी कौन सी भी बात नहीं बोलना जिसमें कास्ट, कम्युनिटी, मज़हब के खिलाफ या किसकी भी पर्सनल लाइफ के खिलाफ बात रहे और जिससे फिरखा परस्ती का मसला पैदा हो जाए। इन्होंने बोले, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या फिर कौन सी भी इबादत की जगह के पास तकरीर या जलसा नहीं होना, ऐसा कुछ भी हुआ तो इन लोगों को पकड़ लेंगे, और जो भी तकरीरा करना है वो सुबह में 6 बजे से रात में 10 बजे कर लेना। उन्होंने थोड़े ऐसे चीज़ों के बारे में भी बोले जिसकी इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, मगर इजाज़त लेके या फिर कोई भी बड़ा लीडर आया तो लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना कहते। जुलूस और रैली निकालने से पहले पुलिस वालों से परमिशन ले लेना। इसके अलावा इन्होंने बोले, जो भी रॉडी शीटर भागे उन लोगों को पकड़ने की हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। इन लोग अब तक 112 रॉडी शीटरों को पकड़ लिए और 27 चेक पोस्ट भी डाले कहते। पार्लियामेंट और असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज दोनों के लिए ये इलेक्शन
शेड्यूल के अनाउंस होने के साथ साथ ही मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू हो गया है इलेक्शन कमीशन के गाइडलाइंस के तहत। उसमें जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि पब्लिक को और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी थोड़े सा इसके बारे में जानकारी मिले। ऐसी कोई बात कैंपेन के अंदर ऐसी कोई बात ना कहें जिससे किसी कास्ट के बेसिस पर, कम्युनिटी के बेसिस पर या रिलीजन के बेसिस पर किसी तरह का भेदभाव या किसी तरह का मनमुटाव हो जो कि किसी तरह की प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। इसी तरीके से किसी की पर्सनल लाइफ पर अटैक नहीं करने का है। कास्ट और कम्युनल फीलिंग लेकर के कहीं वोटिंग के लिए कैंपेन नहीं करना है जिससे कि किसी तरह का एटमॉस्फेयर या फिजा खराब हो शहर की। कोई रिलीजियस प्लेस, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वहां पर कैंपेन ना की जाए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की। इसी तरीके से कुछ प्रैक्टिसेस जो कि बहुत यूज की जाती हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैश, पैसा बांटना, वोटर्स को इंटिमिडेट करना, इम्पर्सनेशन, ये सब ना करें। किसी के घर के ऊपर पिकेटिंग ना हो। उसी तरीके से अगर किसी के घर के ऊपर, पहले तो गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स पर किसी तरह का भी वॉल राइटिंग लिखना, पोस्टर चिपकाना, झंडा लगाना मना है। उसी तरीके से अगर किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल के घर की दीवार पर या घर के ऊपर किसी तरह का पॉलिटिकल मटेरियल लगाया जाता है, जैसे कि कोई झंडा, पोस्टर या स्लोगन, तो उस घर के ओनर की परमिशन लेना जरूरी है और वो परमिशन लेकर के राइटिंग में ली जाए वो परमिशन। कटआउट झंडे वगैरह जहां पे भी पब्लिक प्लेस में लगाए जाने हैं वो जीएचएमसी और बाकी अथॉरिटीज से परमिशन लेके लगाएं, और वो भी इस तरह से बांटे जाएंगे कि जिससे सबको बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले। कोई भी एक पार्टी किसी दूसरे पार्टी के फ्लैग्स को, फ्लैक्सीज को, पोस्टर्स को ना फाड़े। अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन है तो पुलिस को और इलेक्शन कमीशन को इन्फॉर्म करें, हम लोग उसके लिए एक स्पेशल सेल बनाए हैं और वो फ्लाइंग स्क्वाड्स भी हैं, वो जाकर के उन सबको देखेंगे और जो भी कार्रवाई करनी है वो करेंगे। इसी तरीके से क्योंकि हमारे हैदराबाद के अंदर सिटी पुलिस एक्ट के तहत थोड़े रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं मीटिंग, प्रोसेशन, रैली, पदयात्रा पर, इसलिए किसी भी पदयात्रा के लिए पुलिस का परमिशन लेना जरूरी है। और यह परमिशन जो है लोकल जोनल डीसीपी देंगे। अगर एक से ज्यादा जोन के अंदर एरिया आ रहा है तो एडिशनल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर देंगे। ये सारी एक्टिविटीज हम 6 बजे सुबह से लेकर के रात को 10 बजे तक ही परमिट करेंगे। लाउड स्पीकर जहां इस्तेमाल करने हैं वहां पर भी परमिशन लेना जरूरी है, और वो भी 10 बजे के बाद रात को उनका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। अगर कोई स्टार कैंपेनर आता है, जैसे कोई बड़ा लीडर आता है, तो हमें पहले बताएं कि उनकी मीटिंग कब है, कहां है, जिससे कि पुलिस भी इंतजाम कर सके। हर प्रोसेशन या रैली अगर कोई निकालना है तो उसके लिए परमिशन लें, उसका रूट, टाइम, प्लेस और कितने आदमी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे वो हमें बताएं। इस तरह की किसी भी पदयात्रा से, रैली से ट्रैफिक को असर नहीं होना चाहिए, और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की
कम से कम होंगी रैलीज पदयात्रा, और अगर होंगी तब भी सड़क के एक तरफ चलकर ही उन्हें अंजाम दिया जाएगा। ये सारी मीटिंग की परमिशन, प्रोसेशन रैली की परमिशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस पे दी जाएगी, लेकिन हर एक को बराबर अपॉर्चुनिटी मिले उस तरह से हम देने की कोशिश करेंगे, एक दिन एक को दूसरे दिन दूसरे को, जिससे कि किसी तरह का क्लैश ना हो, किसी को भी ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ऐसी कोई चीज कैरी नहीं की जाएगी जो कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम होने पर, गड़बड़ होने पर हथियार की तरह यूज की जा सके, जैसे कि लकड़ियां वगैरह, किसी तरह की एफिजीज जो हैं वो नहीं यूज की जाएंगी, कैरी नहीं की जाएंगी। कैंपेन के अंदर जो व्हीकल्स यूज की जाएंगी उनको रिटर्निंग ऑफिसर साहब से परमिशन लेकर के ही यूज किया जाएगा, और वो जितनी परमिशंस हैं व्हीकल नंबर के साथ व्हीकल के ऊपर डिस्प्ले की जाएंगी। 10 व्हीकल से ज्यादा का कॉन्वॉय परमिट नहीं किया जाएगा। अगर ज्यादा व्हीकल्स हैं तो उनके अंदर कम से कम 200 मीटर का डिस्टेंस मेंटेन किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के अंदर सेक्शन 160 के अंदर बाइसिकल, टू व्हीलर, साइकिल रिक्शा को भी व्हीकल का दर्जा दिया गया है, तो वो भी काउंट की जाएंगी। हर गाड़ी के ऊपर एक फ्लैग और एक बैनर की ही परमिशन है। अगर कोई गाड़ी मॉडिफाई की जाती है जिसपे लाउडस्पीकर लगाए जाते हैं या किसी और तरह का मॉडिफिकेशन किया जाता है, तो उस व्हीकल को यूज करने के लिए रिटर्निंग ऑफिसर साहब की परमिशन जरूरी है। और अगर इस तरह ये परमिशन नहीं हुई तो व्हीकल कॉन्फिस्केट की जा सकती है। ये मोटा मोटी तौर के ऊपर जो शुरू के इंस्ट्रक्शंस हैं, डिटेल्स इलेक्शन कमीशन ने ऑल पहले ही जारी की गई है और वो डिटेल देख सकते हैं। हैदराबाद पुलिस ने भी थोड़े स्पेशल ड्राइव्स किए हैं और करना शुरू किया है ये इलेक्शन के बंदोबस्त के लिहाज से। उनमें से कुछ ये हैं, जो आदमी पहले किसी इलेक्शन के अंदर, इलेक्शन ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व हुए थे उनके केसेस को रिव्यू कर रहे हैं, उनमें से अगर चार्जशीट वगैरह फाइल नहीं हुई है तो उनको इमीडिएटली किया जा रहा है। उसी तरीके से हिस्ट्री शीटर्स या जो लोग पहले पुराने केसों में से भागे हुए हैं उनको भी तलाश किया जा रहा है और उनको बाइंड ओवर कराया जा रहा है। जितने भी नॉन अवेलेबल वारंट्स पेंडिंग हैं उन्हें एग्जीक्यूट करने की कोशिश की जा रही है, और उसके लिए सारे SHOs को एक डायरेक्शन भी दिया गया है कि स्पेशल ड्राइव लेकर के पुराने NBWs को एग्जीक्यूट करें। अब तक करीब 112 लोगों को हम लोग बाइंड ओवर कर चुके हैं। हमने करीब 27 चेक पोस्ट लगा रहे हैं हम, जिसमें कि हम लिकर, आर्म्स, अम्यूनिशन, कैश और किसी तरह का कंट्रोबैंड चेक करने के लिए, और उसके अंदर अभी तक हमारे पास 7.5 लाख रुपया कैश हमें मिला है। उसी तरीके से करीब 20,000 रुपये का इलिसिट लिकर भी हम लोगों ने पकड़ा है। इसके लिए हम लोग 15 फ्लाइंग स्क्वाड भी बना रहे हैं, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में एक, और उस फ्लाइंग स्क्वाड का काम भी यही रहेगा किसी तरह की कंप्लेंट आने पर इमीडिएटली वहां जाकर चेक करें,
या किसी तरह की कंप्लेंट कंट्रोल रूम में आती है या डिस्ट्रिक्ट कंप्लेंट मॉनिटरिंग सेल में आती है या इलेक्शन कमीशन को दी जाती है, तो उसको भी इमीडिएटली वेरीफाई करें। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में 3 स्टैटिक सर्विलेंस टीम्स भी लगाई जाएंगी जो कि सडनली और सरप्राइज से चेकिंग करेंगी एक जगह दूसरी जगह। उनका भी काम यही रहेगा कि कैश, लिकर, आर्म्स या एनी गिफ्ट आइटम्स जो हैं, अगर कोई लेके जा रहा है तो उसे चेक करें और कन्फिस्केट करें। आर्म्स लाइसेंसेस जितने भी हैं वो लाइसेंस होल्डर से गुजारिश की जा रही है कि वो अपने अपने फायर आर्म्स को या तो पुलिस स्टेशन में या फिर किसी भी रजिस्टर्ड आर्म्स डीलर के पास में जमा करा दें। बैंक्स के गार्ड्स को और नेशनल राइफल एसोसिएशन के जितने मेंबर्स हैं उनको इसकी मतलब ये वेपन जमा कराने की ज़रूरत नहीं है। सारे एसएचओस को भी बोला गया है कि वो अपने अपने एरिया में ज़्यादा घूमें और हालात के ऊपर नज़र रखें, किसी तरह की कोई भी ऐसी घटना ना हो जिससे कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो। जितनी भी इन एसएचओस को हिदायत दी गई है कि जितनी भी मीटिंग्स हों, प्रोसेशंस हों और कोई भी एक्टिविटी हो वो सारी की सारी इंक्लूडिंग चेक पोस्ट के ऊपर क्या हो रहा है ये सारी एक्टिविटीज़ को वीडियोग्राफ करें जिससे कि एविडेंस पक्का रहे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन था और केसेस को प्रोसिक्यूट करने में मदद मिले। मुझे उम्मीद है कि हम लोग ये इलेक्शन भी बिल्कुल पीसफुल तरीके से करने में कामयाब। नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के एरिए मरियालगुड़े में हैसो मीना कॉलेज इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाए, जिसमें चीफ गेस्ट जनाब शरीफ अब्दुल रहीम यमनी साहब थे। ये कॉलेज खाली बच्चियों के वास्ते छे। वुमेन्स डे पे वहाँ के बच्चियाँ किते की अलग अलग प्रोग्राम जिसमें कल्चरल, फैशन और पकवान है करें। पकवान के जज सही थे। इसमें वहाँ के चेयरमैन मोहम्मद महमूद अली भी थे। इनके अलावा राइटर मंजूर और सिंगर दीप्ति भी आए थे और ये प्रोग्राम में तकरीबन 1000 लोग आए थे। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हा से तेलंगाना कांग्रेस लीडरा मिल के इनको बोले, मौसम नहीं है सो बारिश हो रही सो तेलंगाना में किसानों को होने वाले नुकसान के लिए रकम देना कहते। गवर्नर ईएसएल नरसिम्हा तेलंगाना कांग्रेस लीडरों को बोले इनो पूरे डिटेल देखने के बाद किसानों को कितने का नुकसान हुआ उसका इंतजाम करेंगे कहते। 8 मार्च को तेलंगाना के लीडर सुखेंद्र रेड्डी, राजिया, मधुगौड़, याशकी और दूसरे मिलके उनको बोले बगैर मौसम के तेलंगाना के 10 डिस्ट्रिक्टों में जो बारिश हुई उससे 2 करोड़ से ज़्यादा किसानों के फसलां बर्बाद हो गए, इसके वास्ते गवर्नर वो किसानों को रकम देने के इंतजाम करना। इंडिया के मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल ऑल इंडिया बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में दाखिल हो गए। 3 मैचों तक चले सो जबरदस्त मुकाबले में साइना उनके अपोजिट खिलाड़ियों को हरा देके ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में चले गए। 1 घंटे तक चली सो गेम में साइना नेहवाल अमेरिका की बी विन जोन को 22-24, 18-21, 19-21 से हरा दिए। अब उनका क्वार्टर फाइनल में चाइना की वान सिंजियान से मैच है। टीवी पे आता सो शो सत्यमेव जयते के हीरो आमिर खान लोगों के परेशानियां सुन के इनका दिलिज नरम हो गया कहते। इंडियन वुमेन प्रेस कोर्स में ये बात हम बोले।
आजकल की दुनिया इतनी भाग दौड़ भरी हो गई, लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ जाना क्या करना। काम रोज़ाना करने से लोगों की सेहत ख़राब हो जा रही, मगर मरता क्या नहीं करता बोले जैसा। लोगों ज़िंदगी में जीने के वास्ते कामों पे लगे हुए हैं। लोगों के इतने परेशानियां हैं, अगर आम आदमी तो आम आदमी, हीरो भी लोगों के परेशानियां देखा तो बौरान हो जा रहा। ऐसी चेक हीरो आमिर खान एक प्रोग्राम कर रहे हैं, इसका नाम सत्यमेव जयते है। इसमें इन लोगों के ऐसे ऐसे परेशानियों को सुने और वो सुनने के बाद उन्होंने अपने आप को वीरान समझ रहे करते। आमिर खान बहुत जज्बाती और बहुत नरम दिल हो गए। इंटरनेशनल वुमेंस डे के दिन इंडियन वुमेन प्रेस कोर्स वाले आमिर खान को बुलाए थे। वहाँ पे उन्होंने बहुत हिम्मत करके आके बोले, मैं तफरी करके मेरे जहन को साफ करूँगा बोल रहा हूँ। कई को बोले तो लोगों के सामने लोगों के परेशानियाँ लाके लोगों के दिलों में हमदर्दी पैदा करना ही मेरा मकसद है। लोगों के सामने लोगों की सच्चाई को लाना अब हीरो के बस की बात नहीं है जैसा दिख रहा। बिहार में सीतामढ़ी जिले के नगर थाने के इलाके रमागिरी गांव के नज़दीक 8 मार्च को सुबह एक ट्रैक्टर के नीचे आके एक बच्चा मर गया। अख़वाने मुस्लिमीन के चाहने वाले और पुलिस के बीच में पूरे मिस्र में लड़ाइयाँ चल रहे हैं, सो चल रहे हैं। ये झगड़ों से 3 लोग मर गए और कितने की जने जख्मी हो गए। हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग बोले 2 जने काहिरा के डिस्ट्रिक्ट अल्फ मस्कन की गलियों में पुलिस वालों के साथ लड़ते हुए मर गए। एक और आदमी अबासिया में ख़त्म हो गया। ये लोग पुलिस पे गोलियां चला रहे थे कहते और पुलिस के ऊपर पेट्रोल बम फेंक रहे थे बोल रही। जवाब में पुलिस वाले आंसू गैस छोड़े गए। ये लोग पुलिस पे गोलियां बरसाए, पेट्रोल बम फेंके, मगर पुलिस वालों को कुछ नहीं हुआ। पुलिस वाले खाली आंसू गैस छोड़े और वो लोग मर गए। ये कैसा हुआ कि क्या है कि? लोकसभा के इलेक्शनों से पहले सेंट्रल के होम मिनिस्टर सुशील कुमार शिंदे बेकसूर बच्चों को छोड़ने के वास्ते पूरे चीफ मिनिस्टरों को एक खत भेजे गए। शिंदे पूरे सीएमओ को खत लिखे और बोले, मुसलमानों के बेकसूर बच्चों को पकड़ के जो केस लगाए वो केसों के ऊपर फिर से सोचो और जो बेकसूर है उन लोगों को जेल से छोड़ दो। इससे पहले भी 2 बार शिंदे पूरे चीफ मिनिस्टरों को खत लिखे थे और एक खास टीम बना के जेल में चुपका चुप पकड़ के रखे सो बच्चों के केसों की इंक्वायरी कराओ बोले थे। उन्होंने ये भी बोले, दहशतगर्दी के नाम पे कौन से भी मजहब के बच्चों को चुपका चुप नको पकड़ो। 12 मार्च से इंटरमीडिएट के इम्तिहान शुरू हो रहे हैं। इस वास्ते हैदराबाद और सिकंदराबाद के बाद पुलिस स्टेशनों के एरियो में 144 लगा दिए। हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर ये बात बोले। उन्होंने ये भी बोले, एग्जाम सेंटरों से 500 अगस्त तक लोग जमा नहीं हो सकेंगे। ये ऑर्डर पुलिस, फौज, होमगार्ड्स और फ्लाइंग स्क्वाड वालों को छोड़ के दूसरे लोगों के वास्ते है। जो लोग ये कानून के खिलाफ काम करेंगे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते बोले। हैदराबाद और सिकंदराबाद में बगैर इजाज़त के जलसे, जुलूस, रैलियाँ और लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर भी पाबंदी रहेंगी। ये 144 9 मार्च से 15 मार्च सुबह 6 बजे तक रहेगा। सेंट्रल के मिनिस्टर जयराम रमेश पुरंदेश्वरी को खुदगर्ज और धोखा दे के पार्टी बदलने वाली लीडर है बोले। जयराम रमेश बोले, कांग्रेस पार्टी पुरंदेश्वरी को सिर्फ कामयाबी नहीं दिलाई बल्कि 8 सालों तक अलग अलग मिनिस्ट्रियां भी दी। उन्होंने ये भी बोले, स्टेट का बंटवारा करते वक्त सीमा आंध्रा के कांग्रेसी लीडर जो जो भी मंगे वो दिए, मगर हैदराबाद को सेंटर के हवाले करो बोले तो ये बात नहीं माने। पुरंदेश्वरी विशाखापट्टनम में उनकी जो खानदानी जमीन है उसका रेट बढ़ना बोल के रामापट्टनम के नज़दीक बंदरगाह होना बोल रहे थे। उनकी बात नहीं सुने तो उन्होंने कांग्रेस से निकल के बीजेपी में चले गए। उन्होंने चले गए तो चले गए, ऐसे कितने की आते और जाते रहते, मगर उन्होंने कांग्रेस पार्टी पे एतराज़ा कर रहे हैं सो बुरी बात है। जयराम रमेश बोले, कांग्रेस से सियासी ज़िंदगी शुरू करते ही पहली कामयाबी के साथ उनको वजीर बना दिए। उन्होंने कांग्रेस का ये एहसान भी याद नहीं रखे। पुरंदेश्वरीश नहीं बल्कि कांग्रेस का एहसान किरण कुमार रेड्डी भी याद नहीं रखे, जिनको अचानक घर में से उठा के कांग्रेस पार्टी आंध्र प्रदेश का सीएम बना दी थी। ये सब सुन के हमारे को बांस बुढ़िया याद आ रही जो कुड़कुड़ाते हुए बोलते, मेरे हाथों की करनीच अच्छी नहीं है, जिसको भी पाल पोस के बड़ा करी उन्हें मेरे को पूछ के नहीं देख रहा। भविष्य कोसम प्रति बीजेपी నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వాన్ని పరపతడం చాలా అవసరం నేను భావిస్తూ ఉన్నాను. మిగతా విషయాలన్నీ పక్కన పెట్టి ఇతర విషయాలు జోలికి పోకుండా జాతి శ్రేయస్సు దృష్ట్యా, రాష్ట్రం ప్రాంతం శ్రేయస్సు దృష్ట్యా ప్రజలు ఆలోచించాలి. అలా ఆలోచించి ముందుకు వచ్చే వారికి బీజేపీ తప్పనిసరిగా స్వాగతం పలుకుతుంది. దానిలో ఎవరికైతే మంచి వ్యక్తిత్వం ఉందో, ఎవరికైతే మంచి ప్రజాదరణ ఉందో వారికి తప్పనిసరిగా భారతీయ జనతా పార్టీ
తగిన రీతిలో ప్రోత్సాహిస్తుంది ఇది అందరికి సంబంధించిన విషయం మా అందరికి బాగుంటుంది అనుకూలంగా ఉంటుంది అని చెప్పి భావించినప్పటికీ కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది రాష్ట్రాన్ని విభజించాలి అని మేము దానికి అనుకూలంగా స్పందించి పార్టీ నిర్ణయం తీసుకుంది కాబట్టి దాన్ని దానికి కట్టుబడి ఏదైతే పార్టీకి మా తరఫు నుండి అంటే సీమాంధ్ర ప్రాంతం ప్రగతి పొందాలి అని అంటే కనుక కావాల్సినటువంటి కండిషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మా పార్టీ నాయకుల అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించినటువంటి నాయకుల సమక్షంలో మేము పెట్టడం జరిగింది గ్రూప్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ కావచ్చు యాంటనీ కమిటీ కావచ్చు కానీ ఒక రకంగా కొంతమేరకు నిర్లక్ష్యం చేయడం కావచ్చు లేకపోతే వాటిని సరిగ్గా బిల్లు సమకూర్చున్నటువంటి నేపథ్యంలో లోక్సభలో వచ్చినటువంటి బిల్ని अब के इलेक्शन में नौजवान भूत रहेंगे सोच के कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी बोले कांग्रेस पार्टी लोकसभा इलेक्शन में नौजवानों को ज्यादा चांस देती है। दिल्ली में NSUI के सालाना जलसे में तकरीर करते हुए राहुल गांधी बोले पार्टी स्टूडेंट लीडरों को और यूथ कांग्रेस के लीडरों को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। आने वाले दिनों में NSUI और यूथ कांग्रेस को बहुत कुछ इन लोग देते करते कांग्रेस के मगर जितना जोश इस कमरे में आज है शायद किसी और कन्वेंशन में नहीं देखा मैंने। कुछ साल पहले हमने NSUI को के दरवाजे खोलने की बात की थी और आज मुझे लग रहा है कि एक बिल्कुल नई जनरेशन NSUI ने तैयार की है और अब सिर्फ आपको आस्ते 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 देश की कमान पकड़ानी है और जिस दिन हमने वो कर दिया आधे प्रॉब्लम वही गायब हो जाएंगे। पिछले सालों में मैं कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में गया, तकरीबन 200 कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में मैं गया और आपने वहाँ पे बहुत सपोर्ट की, बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया आपने। अलग अलग स्टेट्स में NSUI चुनाव जीतती है और फ्यूचर जेनरेशन को आप कांग्रेस पार्टी में लाने का काम करते। मैं जानता हूँ कभी कभी जितना सपोर्ट आपको सीनियर पार्टी से मिलना चाहिए शायद वो नहीं मिलता है और ये मैं यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी कहता हूँ कि ये नेचुरल होता है। जब भी कोई मजबूत खड़ा होता है तो उसको रेजिस्टेंस दिखाई देगी मगर जब वो रेजिस्टेंस के खिलाफ लड़के खड़ा होता है तो गोगोई जी जैसे अशोक जी जैसे मजबूत होता है और फिर उसको काफी जानकारी होती है ज्ञान होता है और वो लंबे तौर पे काम कर तो थोड़ा आपको सहना पड़ेगा। जितनी मैं मदद कर सकता हूँ मैं करूँगा और करता भी हूँ मगर आप नए जेनरेशन के हो तो आपको थोड़ा टेंशन तो लेना चाहिए। सही बात है ना, थोड़ा सा टेंशन तो होना चाहिए। आपने यूनिवर्सिटीज में बहुत अच्छा काम किया है, RTI का काम किया है, तकरीबन 1,30,000 लोगों को आपने RTI सिखाया है। लीड योर कैंपस का प्रोग्राम और आपके इनिशिएटिव्स बिल्कुल नए तरीके के इनिशिएटिव्स शायद सिर्फ यूथ कांग्रेस NSUI करती है। बाकी पार्टियां बाकी स्टूडेंट्स के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो पुराने स्टाइल से काम करते हैं, वहां पे ऊपर से नेता जाके चुना जाता है आप जानते हैं। यहां पे हम आपको चॉइस देते हैं और जो भी इस कमरे में आया है अपने बल पे अपने दम पर अंदर आया है और शायद इसीलिए इस कमरे में इतना जोश है। दो तीन चीजें मैं आपको नेशनल लेवल के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए पिछले 10 सालों में UPNA और कांग्रेस पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया है, अधिकार का काम किया है, भोजन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, कर्जा माफी, बहुत सारे काम किए हैं, कोई कमी नहीं। मगर हमारी विपक्ष की आदत को आपको समझना है, उनकी स्ट्रेटेजी रही है कि जो भी कांग्रेस पार्टी करे चाहे वो अच्छा हो कुछ भी करें हम विरोध करना है और गलत तरीके से गुस्से से क्रोध से विरोध करना है। हम गांधी जी की पार्टी हैं, हम काम करते हैं, हमारा फोकस काम पे होता है। जैसे आपका फोकस NSUI का फोकस कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने का और काम का है और हमारा फोकस गुस्से पे कभी नहीं होता है जो भी हम काम। चेयरमैन तेलंगाना JEC कोदंडाराम डिमांड करे जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी में 150 एम्प्लॉयमेंट को रोक दिए। प्रोफेसर कोदंडाराम मीडिया वालों से बात करते हुए बोले अगर फौरी JNTU में एम्प्लॉयमेंट कर दिए तो तेलंगाना के लोगों का नुकसान होगा, इस वास्ते नए एम्प्लॉयमेंट जो कर रहे हैं इसको रोक देना, अगर ये एम्प्लॉयमेंट नहीं रुके तो चलो JNTU एजिटेशन चलाते करते। इलेक्शन है बोल के MCET एग्जाम की तारीख 17 मई से बढ़ा के 22 मई कर दिए और फीस भरने की आखिरी तारीख 4 अप्रैल रखे गए। अब अपन तेलंगाना के 10 जिलों के मौसम का हाल देखेंगे।
हैदराबाद ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 31, कम से कम दर्ज हरारत 20, खम्मम ज्यादा से ज्यादा 36, कम से कम 21, नलगुंडा ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 20, मेदक ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 20, करीमनगर ज्यादा से ज्यादा 28, कम से कम 22, रंगारेड्डी ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 20, वरंगल ज्यादा से ज्यादा 32, कम से कम 21, आदिलाबाद 32, 21, महबूबनगर ज्यादा से ज्यादा 31, कम से कम 20 और निजामबाद ज्यादा से ज्यादा 32 और कम से कम 21 दर्जे हरारत रिकॉर्ड करेगा। शहर की मशहूर सोने की दुकान मालाबार गोल्ड ज्वेलर्स में हफ्ते के दिन 22 कैरेट सोने की कीमत 28,440 रुपए है और 22 कैरेट सोने की कीमत 30,390 रुपए है। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे। कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाला हवाई जहाज का हफ्ते के दिन सुबह में एक्सीडेंट हो गया। पहले के वजीर डॉक्टर गीता रेड्डी तेलंगाना रियासत को भी औरतें बनाएं और तेलंगाना में औरतें अच्छा काम करें बोल के बोले। तेलंगाना के लीडर तेलंगाना रियासत में कांग्रेस की हुकूमत बनाने के वास्ते दिन रात एक करते बोल के पहले के वजीर जाना रेड्डी बोले। गांधी भवन और सेक्रेटरियट में लीडरा औरतों का दिन है बोल के मीटिंग करे। और कांग्रेस पार्टी वाले आते सो इलेक्शनों के वास्ते 90 उम्मीदवारों का नाम दे दिए। तो नाजरीन ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाजत दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलते वो भी अपनी जबान में और प्रोग्रामा भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।